नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ, जो कि हर एक नए चालक हूँ या वो पुराने चालक हूँ, तो गाड़ी में जो साइड मिरर होता है और बाकी रियर भी मिरर होता है, ये गाड़ी चलाने से पहले आपको एडजस्ट करना होता है, ताकि आप दुर्घटना होने से बहुत ही हद तक आप बच सकते हैं। और इसको सेट करने का तरीका क्या होता है और साइड मिरर का यूज हमें कब कितनी दूर पहले से करना होता है, या जो है रियर व्यू मिरर को हम जो है कि कैसे एडजस्ट करेंगे ताकि लेफ्ट राइट का हमको जजमेंट मिल सके, और लेफ्ट का शीशा कैसे एडजस्ट करते हैं, और शीशा एडजस्ट करने के लिए बटन कहाँ पर होता है, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और गाड़ी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उस पर ध्यान दे के ना चलें, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, मतलब गाड़ी का हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि नए चालक हों या वो पुराने चालक हों। पुराने चालक भी गलतियां करते हैं, रियर व्यू मिरर में नहीं देखते हैं, साइड मिरर में नहीं देखते हैं, तो ये आप लोग बहुत ही ज़रूरी है गाड़ी में कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से एडजस्ट करना होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे शीशा अभी हमारा, इसको एडजस्ट कैसे करना होता है, तो एडजस्ट करने के लिए जैसे हम यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और हमारा सामने फोकस होना चाहिए। अब हमको इसको शीशे को एडजस्ट करना है, तो हम यहाँ से राइट वाले बटन को, इसको यहाँ से ऊपर की तरफ शीशे को लेके जाएंगे और बाकी जो है इसको हल्का सा इधर करके रखेंगे, कि ताकि हमको यहीं से बैठे बैठे ही साइड मिरर में देखना होता है, ये नहीं कि इस तरीके से देखना है। हमारा निगाह सामने होना चाहिए और बाकी सिर्फ आँखें साइड मिरर पर जानी चाहिए। तो इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो गाड़ी बगल में आ रही है वो आपको इसमें क्लियर आपको दिखे, ये नहीं कि हमको इस पे चेहरे को उधर नहीं करना होता है, सिर्फ केवल आँख को उधर करना होता है। तो इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। और बाकी जब लेफ्ट का शीशा एडजस्ट करना होता है तो लेफ्ट का भी यहाँ से आप लेफ्ट इसको घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जब भी आप गाड़ी को चलाएँ तो हमेशा 2 सेकंड के बाद आपका निगाह साइड मिरर पर जाना चाहिए। और बाकी जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू को भी एडजस्ट करने का तरीका यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे पीछे आपको पूरा दिखाई दे रियर व्यू मिरर में। ये नहीं कि आपको सर को उठाना है या आँख को इधर उधर करनी है, सिर्फ केवल यहीं से बैठे बैठे सिर्फ आँख को ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। तो इस तरीके से आपको साइड मिरर और रियर व्यू मिरर को यूज करना होता है। और गाड़ी में आप बिना रियर व्यू मिरर, साइड मिरर के आप गाड़ी चलाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप जो है गाड़ी का हर एक चीज़ अपने लिए सेफ्टी रखिए, और कोई भी साइड मिरर हो या इंडिकेटर हो या रियर व्यू मिरर हो, ये सब गाड़ी में हमेशा सेफ रखिए, ताकि आप लोग सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकें और दुर्घटना होने से आप बच सकें। क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट पीछे से होते हैं, जो कि हम रियर व्यू मिरर में नहीं देखते हैं और अचानक से ब्रेक लगा देते हैं और गाड़ी हमारी पीछे लड़ जाती है, या फिर आप कहीं पर गाड़ी को पार्क किए हैं वहाँ से आप गाड़ी को निकालते हैं तो आप साइड मिरर में नहीं देखते हैं, ना ही इंडिकेटर देते हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए और गाड़ी का सही तरीके से यूज करिए। गाड़ी को चलाना खेल ना समझे, क्योंकि रोड पे हर वक्त आदमी चलते रहते हैं, कहीं भी आप गाड़ी को पार्क किए हैं, अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं तो भी आप साइड मिरर का यूज़ करिए, आप ब्रेक लगा रहे हैं तो भी आप साइड मिरर, रियर व्यू मिरर का यूज़ करिए। तब दोनों साइड मिरर और रियर व्यू मिरर का हमेशा यूज़ करिए आप लोग, रोड पर से ध्यान ना हटाइए, ताकि कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। बस इन चीज़ों का, नियमों का पालन करें, क्योंकि गाड़ी में हर एक चीज़ लगा हुआ गाड़ी से इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग बहुत ही हद तक एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और बाकी हमारा Part 2 वीडियो में आएगा, आप लोगों को हम बताएंगे कि गाड़ी में हर एक चीज़, हर एक पार्ट्स, मतलब हमारी कितना इम्पोर्टेंट है कि लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इंडिकेटर नहीं चलता है, बैकलाइट नहीं चलती है, हम आप लोगों को सारा चीज़ बताएंगे कि गाड़ी चलाने से पहले हमें सब चीज़ चेक करनी चाहिए। और कभी भी आप लोग गाड़ी चलाइए तो ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें, हमेशा गाड़ी चलाइए तो सीट बेल्ट का यूज़, और हमारा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग भी सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकें और हमेशा रोड पर सेफ रहें, दुर्घटना बहुत ही हद तक कम होगी। और हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।